तू कार्रवाई कर ले, अज देख ही लैने कार्रवाई तेरी। लोग नहीं है साथ देने वाले, नहीं तो इन्हों ने तो ये देखिए लोगों को धक्के मारकर अब यहाँ से दौड़ाया जा रहा है और डंडे मारे जा रहे हैं, डांगे तो मारी जा रही हैं और कार्रवाई करने की इनको यहाँ पे अब धमकी दी जा रही है। और सुबह से पहले हजारों लोगों को यहाँ बुला लिया गया और अब उनको यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही रहें ये बोल के बाकियों को भगाया जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, आम जनता के साथ ये जो धक्का मुक्की और डंडा परेड की जा रही है ये जायज़ नहीं है। और कार्रवाई करने की FIR और चंडीगढ़ में रात का कर्फ्यू हट चुका है, लेकिन अभी वो यह कर्फ्यू के बहाने लोगों पर FIR करने की धमकी दी जा रही है और डंडा मारा जा रहा है। हिमाचलियों को अपशब्द बोलकर उनकी बेइज्जती की जा रही है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। इस चीज़ के ऊपर जो है सरकार और प्रशासन ध्यान दे तो अच्छा है। ये देखो भगा दिया गया ये लोगों को बाहर, अब दौड़ा दिया गया और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए लोग हैं और इनको अब ये चिंता बढ़ गई है कि किस तरह से वापस जाया जाए। कोई दूर से आए हैं, कोई मोहाली से, कोई जीरकपुर से, कोई कहाँ से, और अब एकदम से उनको यहाँ से धकेल दिया गया। अब वो वापस भी कैसे जाएंगे, ना कोई व्हीकल है, ना कोई सोर्स है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है। ये चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए कि जनता के साथ धक्का ना हो, कि अगर हजारों को बुलाया है तो उनके लिए प्रबंध भी किया जाना चाहिए। तो प्लीज़ ये मेरे अभी दोस्तों से, प्रशासन से और अफसरों से और सरकार से विनती है, इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये चंडीगढ़ में हिमाचल भवन के बाहर ये लाइव ये आपको दिखाया जा रहा है, लोगों को देखिए कैसे भगा दिया गया है। पहले जो लोग लाइनों में लगे थे उनको अब दौड़ा तितर बितर कर दिया गया है भीड़ से डंडा मार के। ये देखिए और डिस्टेंसिंग वगैरह तो और बाकी सब रूल तो ताक पे रख दिए गए हैं, बाकी तो कुछ नहीं, इंसानियत को भी ताक पे रख दिया गया है। ये चीज़ भी देखी जाए, हमारे जितने भी रिपोर्टर पत्रकार भाई वो ये चीज़ को देख रहे होंगे, वो प्लीज़ जनता की इस आवाज़ को वो आगे उठाएं और इसको सरकार तक पहुंचाएं। और लोगों को स्पष्ट ये बोल के धमकी दी जा रही है कि चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ है और आपके ऊपर उसके FIR दर्ज की जाएगी। और हालांकि ये झूठ बोला जा रहा है क्योंकि रात को यह चंडीगढ़ में रात से कर्फ्यू हट चुका है। ये देखिए ये HRTC की यहाँ पर बसें लगी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन जाने का कोई प्रबंध नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी आए हुए लोगों को डंडा ना मारा जाए, ना उनको यहाँ से उड़ाया जाए, बल्कि उनका प्रबंध किया जाए। जो लोग यहाँ इतने दूरों से आ चुके हैं वो कैसे जाएंगे वापस, आप पैदल जाएंगे या 20-20, 15-15 किलोमीटर, कोई मोहाली, कोई जीरकपुर, कोई कहाँ को कहाँ। ये देखिए लोग वापस जा रहे हैं, जो सुबह 5 बजे 6 लोग लाइनों में लगे हुए थे वो इस टाइम अब वापस जा रहे हैं। जिनके पास तो जाने का कन्विंस है वो तो जा रहे हैं, तो जिनके पास वो नहीं है वो अब देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डंडा चलेगा, इसलिए हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते। हिमाचल भवन के बाहर का ये दृश्य हिमाचल भवन के बाहर का ये दृश्य है जिसे आप देख सकते हैं। लोगों को जो लाइन में लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है और लोग रोडों पे आ गए हैं और उनको तितर बितर किया जा रहा है। ये चीज़ को बिल्कुल सरकार तक बिल्कुल उनको ये लाइव दिया जाए, उनको दिखाया जाए और सरकार भी इसको देखे, मुख्यमंत्री जी भी देखें, प्रशासन भी देखे, जिसने ये गाइडलाइन दी थी सबको लेटर भेज के ये कहा गया था कि 4 जिलों के लोग यहाँ पर आ जाएँ। 5 बजे से लोग सुबह लाइनों में लगे हुए थे यहाँ पर,
ये स्टूडेंट्स को भी भेजना था, तो पहले अनाउंसमेंट ये स्टूडेंट्स की जाती तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही आते, बाकी तो आने नहीं था बाकियों ने। लेकिन ये जिसकी भी गलती है, जिसकी वजह से लोग आज यहाँ भुगत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर मिट चुकी है। अगर इसमें जो लोग 40-45 दिनों तक लोग बचे हुए थे, अगर आज की इस कार्रवाई में किसी को कुछ हो जाता है कोई, वो तो कौन जिम्मेदार है इसका। और चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर लोगों को, आए हुए को, हिमाचली लोगों को अपशब्द बोलकर उनको बेइज्जती कर रही है, उनको डंडा मारा जा रहा है। और जिन्होंने ये गलत डिसीजन लिया है उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं किया जा रहा। हिमाचल भवन के बाहर यहाँ लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में इकट्ठी हो चुकी है। और कर्फ्यू रात का हट जाने के बावजूद भी लोगों को FIR उनके ऊपर करने की उनको धमकी दी जा रही है। ये सब किसकी गलती के कारण हुआ? क्या ये सरकारें गलतियां करने के लिए बनाई गई हैं? तो क्या सरकारों के पास कोई समझ बूझ वाले आदमी नहीं है जो प्रशासन की ये सब मैनेजमेंट कर सकें? अब देखिए लोग किस तरह से यहाँ तितर बितर होने के बाद कैसे झुंडों में खड़े हो गए हैं जाने की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। आम जनता का सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया गया है। ये वीडियो लाइव जा रही है, ये बस चलेंगी, जब इनका कंप्लीट हो जाएगा तब निकलेंगे अपने आप टाइम से, ये बारी बारी निकलेंगे। आइडिया कुछ नहीं है, आपकी बुक होगी है ना, और आपकी निकल जाएगी टाइम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ पता नहीं होना, इसे डंडे मार रही पुलिस, ये पुलिस यहाँ डंडे मार रही है। आप चुप, आपको सीट मिल गई, आप बैठे रहो चुपचाप, आपकी बस चल जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा सीट। देखिए लोग किस तरह से परेशान होकर अब यहाँ पे ताक रहे हैं बस। चलो उनका रहना जाना, उनके करना, उन कुछ नहीं कर सकते। रुकी यार, ये इन जितने भी लोगों को आप कहाँ पर देख रहे हैं, ये सब लोग पहले लाइनों में लगे हुए थे वहाँ हिमाचल भवन के बाहर, लेकिन अब उधर से इनको डंडा चलाकर तितर बितर कर दिया गया है और इधर उधर अब ये लोग भटक रहे हैं। ये दृश्य है हिमाचल भवन चंडीगढ़ का। ना ही ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, इनको बुलाया गया था, इनको प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की थी, तो और इसीलिए जो है ये लोग यहाँ पर आए थे। और देखिए देखिए किस तरह से डंडा चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, देखिए क्या लोग किस तरह से भाग रहे हैं। अरे तुम गड्डी से बैठो, ये तो डंडे तो हड़े पैने हैं ये यार, पिछला खुला है। यार
आम जनता के साथ ऐसा ही होता है जी। हिमाचल की शरीफ जनता, उसके ऊपर डंडे बसाए जा रहे हैं। हिमाचली लोग बोलते नहीं हैं तो उनके ऊपर डांग, और अगर रसूखदारों की यहाँ आम जनता होती तो क्या उनके ऊपर भी डंडा चलाया जाता है यहाँ पे। अब मुंह बंद रखे, लाइव है, पूरी दुनिया देख रही है इसने, पूरी सरकार तक देख रही है, प्रशासन तक। मैं अभी गाड़ी से मैं निकल रहा हूँ, मैं भी अपने परिवार को लेके अब वापस जा रहा हूँ, और जाती बारी में एक बार फिर से मैं यूटर्न में लेके जब वापस जाऊँगा तो आपको हिमाचल भवन के आगे दृश्य दिखाऊंगा लोगों को कैसे यहाँ से हो गया। जरा आप देखते रहे तो चले जाए ना, फिर उनके बोल रहा देखिए। अपना मुंह बंद कर लेना क्योंकि लाइव है इतने। ये सब वे लोग हैं जिनको वहां से भगा दिया गया है। मंडी या छब्बी यहाँ पे ये अभी दूसरा दृश्य आप सबके सामने आने वाला है। हिमाचल भवन के सामने का दृश्य मैं अब क्रॉस करते हुए आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से सब लोगों को पुलिस अब यहाँ से भगा रहा है, भगा दिया है, और लोग वापस जा रहे हैं। ये सब लोग पहले लाइनों में लगे हुए थे यहाँ पे। ये देख सब लोगों को किनारे कर दिया गया है। ये है सच्चाई, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दिखा सकता। जनता की आम आवाज को ऊपर उठाइए।